क्लास 10 थ्री सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 इज आर 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 इक्वेशन 5 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8 समीकरण 1 रेख दोनों समीकरणों को रैखिक युग्म बनाकर हल कीजिए। माना कि 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू रैखिक समीकरण बनाने के लिए तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 इक्वेशन 3। सेकेंड पी अपॉन टू माइनस क्यू अपॉन टू इक्वल टू माइनस 1/8 सो एलसीएम 2 पी माइनस क्यू इक्वल टू 2/8 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1 समीकरण 4। तीन और चार समीकरण दोनों को ही जोड़ने पर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा 4 + 4 8p इज इक्वल टू 3 - 1 2 पी इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4। समीकरण 3 में पी का मान रखेंगे 1/4 4p + 4q इज इक्वल टू 3 4 × 1/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 3 - 1 2 तो क्यू इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 सो द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पुट 1/3x प्लस वाई बराबर पी द वैल्यू ऑफ पी 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू सेकेंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू द वैल्यू ऑफ क्यू 1/2 सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 दोनों समीकरणों को जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 6 में 6 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 x का मान समीकरण 5 में रख लेंगे 3 × 1 प्लस वाई समीकरण 5 है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 y इज इक्वल टू 1 तो x एंड y x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 आंसर।